हार्दिक पांड्या, वो क्रिकेटर जिसने एक दौर में सिर्फ मैगी खा के 365 दिन से ज्यादा सरवाइव किए, 15 साल की उम्र में जिसके नाजुक कंधों पे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आइए जानते हैं उस ऑलराउंडर की कहानी। 2008, हार्दिक पांड्या क्लब क्रिकेट में एक उभरते हुए स्टार थे। वडोदरा के किरण मोरे क्रिकेट अकेडमी में ट्रेन इस क्रिकेटर की परफॉर्मेंस देख ये तो तय था कि ये बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए खेले। पर उसी दौरान एक ऐसी अनहोनी हुई कि टीम इंडिया तो एक तरफ, क्रिकेट कंटिन्यू करना भी हार्दिक के लिए नामुमकिन सा हो गया था। उनके फैमिली के एकमात्र अर्निंग मेंबर उनके पिताजी हिमांशु पांड्या को एक ही रात में 2 हार्ट अटैक। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक करिश्मा ही था कि वो जिंदा बच गए। पर इससे पहले कि पूरा पांड्या परिवार इस सदमे से उभर पाता, 6 महीने के अंदर ही उन्हें फिर से एक और अटैक आया। पहले मल्टीपल अटैक से वो किसी तरह मौत के मुंह से बच तो गए, लेकिन एक और अटैक ने हिमांशु को पूरी तरह बेड रिडन और आगे काम करने से रोक दिया। ऐसे में घर की और अपने बीमार पिता की जिम्मेदारी 15 साल के मासूम हार्दिक पांड्या और उसके बड़े भाई पे आ गई। जब घर में खाने का दाना ना हो और सर पे छत की जरूरत, तो सपनों को भुलाकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। बढ़ते मेडिकल बिल्स और कर्जे में डूब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हार्दिक को जॉब करना चाहिए था। पर जिस बच्चे को क्रिकेट का जुनून उसके पिता से विरासत में मिला हो, वो भला अपना सपना कैसे भुला सकता था। हार्दिक ने तय किया कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, लेकिन क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ेंगे। हार्दिक अपनी एकेडमी की ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हुए बिना टिकट बस और ट्रेन की भीड़ में छुपकर, कभी ट्रक में धक्के खाकर तो कभी ट्रक के पीछे लटककर दूर दराज के गांव में जाते, जहां उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए 400 रुपए मिलते। ये मैचेस वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते। इन्हीं 400 रुपए से वो अपनी फैमिली का खर्चा उठाकर जैसे तैसे हफ्ता गुजारते। किसी भी बडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए न्यूट्रिशन और अच्छा डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन जिसकी भूख क्रिकेट और गरीबी मजबूरी हो, वो कहां से अफोर्ड कर पाएगा अच्छी और न्यूट्रिशियस डाइट। घर के बाहर इतना कर्जा था कि हार्दिक ज्यादा समय ग्राउंड पे ही बिता। जो भी वो कमाए वो घर के कर्जों में निकल जाए। ऐसे में ग्राउंड पे अपना पूरा दिन बिताने के लिए हार्दिक 5 रुपए की मैगी खरीदते और माली को विनती कर गर्म पानी का बंदोबस्त कराते। फिर वही ग्राउंड पे वो अपने लिए मैगी बना लेते। कई महीने सालों तक यही उनका नाश्ता, उनका खाना बना। गरीबी और कर्जे की बाधाएं उनके राहों में आती रही और वो उन्हें इग्नोर कर अपने गेम पे फोकस करते रहे। और आखिर 15-16 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनके नाम का डंका गूंजा मुंबई। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियन की तरफ से खेलने का मौका दिया। ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उनकी जिंदगी रातों रात एक बॉलीवुड मूवी की तरह बदल गई। बहुत ही जल्द वो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल होकर अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे। ऐसा लगा कि लाइफ से अब सारे स्ट्रगल्स खत्म। पर उन्हें कहां पता था कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल तो अभी आना बाकी है। एक खिलाड़ी के लिए लाइफ में इंजरीज उनका करियर फिनिश कर सकती है। 2018 में हार्दिक को अपने करियर का सबसे बड़ा झटका तब मिला जब वो ऑन फील्ड एक सीरियस बैक इंजरी के शिकार हुए और उन्हें स्ट्रेचर पे लिटाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। इंजरी के चलते उनका फॉर्म बिगड़ चुका था और वो हर मैच के परफॉर्मेंस में झलक रहा था। जहां एक तरफ वो अपनी इंजरीज और पुअर परफॉर्मेंसेस से लड़ रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि उनका इंडियन टीम से बाहर जाना बिल्कुल तय था। 2019 में दिए एक इंटरव्यू में हार्दिक ने खुल के कई ऐसी बातें कही थी जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। उनके इस इंटरव्यू के चलते उन्हें काफी पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, BCCI ने उन्हें चलती टूर्नामेंट से हटाकर कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया। जिस एडवर्टाइजिंग ब्रांड के वो एम्बेसडर थे, उन्होंने उनको अपनी एड से हटा दिया। इंजरीज, पुअर परफॉर्मेंस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म का असर सीधे उनके गेम पे दिखा। आईपीएल 2021 और T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस लोएस्ट हिट कर चुका था और सबको लगने लगा कि शायद उनका करियर अब ओवर ही होने वाला है।
उनकी इंजरी के चलते मुंबई इंडियन टीम ने भी हार्दिक को रिटेन नहीं किया। हार्दिक अपनी लाइफ का रॉक बॉटम हिट कर चुके थे और अपनी लाइफ में पहली बार उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि हार्दिक अब इतिहास बन चुके, पर सब लोग इस बात से अनजान थे कि जिसे वो इतिहास समझ रहे थे वो इतिहास लिखने आ रहा था। हार्दिक बीसीसीआई के कहने पर अपने आप को ट्रीट करवाने लंदन गए, जहां उनकी लोअर बैक की सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद आइडियली 3 से 4 हफ्ते की बेड रेस्ट और ऑलमोस्ट 6 महीने की ट्रेनिंग लगती है सिर्फ दोबारा फील्ड पे खेलने के लिए। किसी लीग या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना तो दूर की बात है, जितनी सैक्रिफाइसेस करके वो टीम इंडिया तक पहुंचे थे वो सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब की बार मुश्किल और ज्यादा थी। पर उनके अंदर का तूफान अभी मतलब कहाँ रुकने वाला था। 6 महीनों के लिए उन्होंने एक कड़ी रूटीन फॉलो की। वो रोज सुबह 5 बजे उठते और ट्रेनिंग करते, फिर शाम को 4 बजे वो दोबारा ट्रेन करते और शाम 9:30 बजे सो जाते। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी और अपने गेम पे लगाया। रिगरस ट्रेनिंग और अच्छी डाइट के साथ साथ वो योगा करने लगे ताकि वो अपनी बॉलिंग को और बेटर कर सके। एंड द रिजल्ट्स वर स्टनिंग। जिस टूर्नामेंट से उनके करियर की शुरुआत हुई थी वही उनकी वापसी थी, लेकिन इस बार वो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बल्कि एक नई टीम गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, और वो भी बतौर कैप्टन। ना सिर्फ उन्होंने अपनी टीम को कप दिलवाया जो कि किसी भी फेरी टेल की तरह, बल्कि अपनी ऑल राउंड परफॉर्मेंस से दुनिया का दिल दोबारा जीत। एशिया कप में उनकी पारी सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। फिर से एक बार मीडिया, क्रिटिक, सेलेक्टर्स, फैन बातें करने लगे। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सब हार्दिक की तारीफ करते रुक नहीं पा रहे। हार्दिक ने मूल जुबानी नहीं बल्कि अपने स्ट्रगल्स को जीत कर अपने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया। हार्दिक एक क्रिकेटर बन के आए थे और अब वो एक लेजेंड बन चुके हैं। आखिर इसी को तो चैंपियन कहते हैं।